नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। कौन है नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने 1994 में। कैसे बने? आज यही स्टोरी डिस्कस करनी है हमको, वो कैसे बने। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से समझ जाओ कि ऐसी कोई संघर्ष जो फ्रीडम के लिए लड़ी हो। नेल्सन मंडेला एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाए थे एपार्टहाइड के अगेंस्ट। एपार्टहाइड क्या होता है? रंग भेद नीति। एक रंग भेद नीति होती है पॉलिटिकल सिस्टम की, जो नेल्सन मंडेला ने जड़ से खत्म कर दी। क्योंकि उस जमाने में 1994 से पहले क्या होता था, सब एक्सप्लोइटेशन करते थे जो निग्रो पीपल थे। साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं। साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया नाम का एक शहर है, प्रिटोरिया नाम की एक सिटी है, जहां पर ये बहुत ज्यादा फैलता था। वहां पे रंग भेद का बहुत ही चक्कर पड़ा रहता था। तभी मात्र 30 साल तक कारावास काटा नेल्सन मंडेला ने। ऐसे नहीं बने ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट हिस्ट्री में, पहली बार। पहले क्या हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मात्र 30 साल के लिए वो जेल गए। वहां उन्होंने पढ़ाई करी और सिंस 10 मई 1994 को जो वोट हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, वो साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, जिसमें नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 252 सीटें मिली 400 में से। ये बहुत ही बड़ी जीत थी नेल्सन मंडेला के लिए। और उस दिन वो ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जैसे ही वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, लोगों में खुशी का माहौल हो गया। लोग खुश होने लगे क्योंकि 300 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था अंग्रेजों के शासन में। अंग्रेजी शासन हिल गए थे। ये कैसे हो गया? क्योंकि जो सपोर्ट था निग्रो पीपल का, नेल्सन मंडेला के साथ बहुत था। ऐसे ही वो आगे बढ़ते चले गए। तो एक दिन इनोग्रेशन का दिन आया। इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन का दिन, जब उनको शपथ लेनी थी। अब जैसे ही उन्होंने शपथ ली, तो उनके साथ उनकी बेटी जेनेली भी थी। वो एक स्टेज पर खड़े थे और उनके सामने मात्र 140 कंट्री के पॉलिटिशियन बैठे थे। और ये इतिहास में दोस्तों पहली बार हो रहा था कि कोई एक निग्रो प्रेसिडेंट को सुनने आए 140 देश के पीपल, जो कि पॉलिटिशियन है बहुत बड़े बड़े। मेन चीज सब गोरे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला निग्रो प्रेसिडेंट, काले प्रेसिडेंट थे। तो उनको सुनने आए थे कौन? 140 कंट्री के पीपल, पॉलिटिशियंस। तो ये पावर थी एक प्रेसिडेंट की, जो उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, जीती थी 252 सीटों से। तो जैसे इनोग्रेशन का दिन आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले नेशनल एंथम चेंज किया। नेशनल एंथम दोस्तों क्यों चेंज किया प्रेसिडेंट के बाद? क्योंकि जो पहले का नेशनल एंथम था, उसमें जितने भी सारी फैसिलिटीज थी, जितने भी सारे फीचर्स थे, वो वाइट रूल के हिसाब से थे, मतलब गोरे लोगों के लिए थे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने क्या किया, क्या गोरे लोगों को हटा दिया? नहीं, उन्होंने एक ह्यूमैनिटी नेशनल एंथम बनाया, जिसमें सबको बराबरी का हक दिया। वाइट रूल क्या करते थे, वो नेग्लेक्ट करते थे ब्लैक पीपल को, निग्रो पीपल को। लेकिन नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक एक चीज फील करी है, एक एक फ्रीडम सैक्रिफाइस उन्होंने देखा है, और तभी उन्होंने एक नया नेशनल एंथम बनाया, जिसमें दोनों को कंबाइन करके स्ट्रेटेजी तैयार करी। उससे क्या हुआ, सबको इक्वल ह्यूमैनिटी मिली, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल। उन्होंने एक लाइन और बोली थी, अ मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट कैन नॉट एक्सटिंग्विश्ड। बच्चों इसका मतलब यह है कि आदमी की जो अच्छाई है वो छुपाई जा सकती है, लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। हम किसी की अच्छी बातें छुपा सकते हैं, लेकिन कब तक, बुझा नहीं सकते, कभी ना कभी तो बाहर आनी है। ऐसे विचार रखते थे कौन, नेल्सन मंडेला। बाहर से थे काले, लेकिन अंदर से एकदम फ्रीडम फाइटर थे, और थे फ्रीडम फाइटर आपके सामने। ऐसी जंग जीती जो मात्र 300 साल पहले किसी की हिम्मत भी नहीं थी सोचने की। व्हाइट रूल सेशन को पूरा हिला दिया। ही चेंज्ड द ऑल सेशन ऑफ द व्हाइट रूल अलोंग 300 इयर्स। 300 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, और जब हुआ तो ऐसा हुआ कि उनकी आंखें खुली रह गई। आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा जरूर। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, उनके कुछ फ्रेंड थे, उनके कुछ दोस्त थे जिनका साथ दिया उन्होंने। और जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो उनके सामने लोग बैठे हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हैं। जैसे ही इनोग्रेशन पे स्टेज पर आए, वो सब लोग खड़े हो गए, रिस्पेक्ट।
और एक किसके लिए, एक उस आदमी के लिए रिस्पेक्ट जिसने 30 साल जेल में काटे हैं, कोड़े खाए हैं अपने देश के लिए, और कुछ तो मर भी गए हैं, जिनमें से कुछ मर गए हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी फोटो, ये 6 लोग हैं जो, ये जो 6 पीपल हैं, ये नेल्सन मंडेला के साथ इन्होंने सैक्रिफाइस किया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जैसे ही वो लोग स्टेज पर खड़े होते हैं, नेल्सन मंडेला एक बात कहते हैं कि जिनका संघर्ष आज इस देश की आजादी में काम आया है, अफसोस वो ये आजादी, ये सुनहरा दिन देख नहीं पाएंगे। और उस बात का सबसे बड़ा अफसोस कि मैं उनको शुक्रिया अदा नहीं बोल पाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात थी नेल्सन मंडेला के लिए, और जैसा कि हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। और नेल्सन मंडेला की एक बात और अच्छी थी कि वो कहते थे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं जब तक मैं किसी की स्वतंत्रता छीन लूं। मतलब आप उतने फ्रीडम नहीं है अगर आप किसी की फ्रीडम छीन रहे हैं। हमारी आज की लाइफ में ऐसा होता है, जिससे हम ज्यादा क्लोज रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं, आप किसी की फ्रीडम नहीं छीन सकते, यू कांट। बट नेल्सन मंडेला की थिंकिंग, वी शुड लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। हमको सीखना चाहिए क्या कि हम फ्रीडम तब तक नहीं छीन सकते जब तक उसकी इंटेंशन ना हो। इंटेंशन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो यही मैं बता रहा हूं आपको, ये थी स्टोरी नेल्सन मंडेला, और बहुत ही ऐसा रिवॉल्यूशन लाए वो। एपरथाइड, एक वर्ड याद रखना बच्चों, एपरथाइड रिवॉल्यूशन था ये। रंग भेद का चक्कर ही हटा दिया उन्होंने, जो पिछले 300 सालों से पहले, 1994 से पहले चल रहा था, नेल्सन मंडेला के आते खत्म। अब कुछ भी नहीं है, अब है क्या, एक ही चीज, ह्यूमैनिटी। और केवल नेल्सन मंडेला इस प्रॉब्लम से नहीं जूझे। एक और मैं फ्रीडम फाइटर का आपको नाम बता दूं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, आपने सुना होगा। ये भी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ही इस प्रॉब्लम को और जड़ से हटाने की कोशिश की थी, और कामयाब भी रहे थे। इन्होंने एक बात बोली थी कि नो वन वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, वंस दे सी योर सक्सेस दे ऑल वांट टू बी फ्रेंड्स अगेन। क्या बोला इन्होंने कि शुरुआत में आपकी कोई मदद नहीं करेगा अगर आप संघर्ष की राह पे चल रहे हो, लेकिन जब आप में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा तो सब आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ। नेल्सन मंडेला अकेले ही 30 साल तक थे जेल में, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो बाकी देश भी कोलैब करने लगे, उनके रिजल्ट में, उनके प्रोसीजर में, उनके डॉक्यूमेंट में उनका साथ दिया, फंड इकट्ठा हुआ, बहुत सारी चीजें जो आज रिजल्ट आया। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे किस्से हैं, और ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में राजा बन सकते हैं। नहीं, एक दिन में राजा कोई नहीं बनता। इफ यू कांट फ्लाई रन, अगर आप भाग नहीं, अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो, अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगो। मतलब यह है कि चलते रहो, कीप मूविंग इन योर लाइफ। हमें यह सीखना चाहिए नेल्सन मंडेला से, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगले लेक्चर में आपसे इससे भी अच्छे और क्रांतिकारी के बारे में वीडियो लाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।